अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर ये सियालकोट के अंदर हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ भी आपकी सारी जो है वो बातचीत करवाएंगे। ये हम लोगों ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये 4 की डिलीवरी है और मोनो ब्लॉक है, ठीक है। 7.5 HP की जापानी मोटर फ्यूजी के साथ जो है 7.5 HP का जो है ये मोनो ब्लॉक है ये हमारे पास जो है, और इसके साथ जो है ये 4 इंच की जो है वो डिलीवरी चल रही है, ठीक है जी। और पानी का जो फ्लो है वो आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही जो है वो तेज़ पानी जो है वो चल रहा है। और इसके अभी इन्होंने खाला वगैरह इसका अभी वो बनाना है, तो ये देख लें हमारे पास जो है पानी का जो फ्लो है वो किस कदर ज़्यादा है। और ये सिर्फ हमारे पास 8 पैनल हैं, ठीक है, जिनको के हमारे पास 8 पैनल है। अगर मैं आपके पास 8 पैनल हो और आपने उसको VFD के ज़रिए से 3 फेज़ की मोटर को चलाना है तो कैसे चलाना है ये भी मैं आपको जो है वो मुकम्मल इसकी जो आपके जो उसकी सेटिंग है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको उसकी फैक्ट्री सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखें जी, ये नहीं हमारे पास जापानी मोटर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से 4 इंच का बहुत जो है वो तेज़ पानी जो है वो हमारे पास जो है वो चल रहा है। फ्लो रेट आपके सामने ही है। तो आए आपको जो है वो अब मैं पैनल्स भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास पड़े हुए हैं ऊपर छत के ऊपर रखे हुए हैं, सीधे पैनल हैं। और साथ में जो है वो इन्वर्टर की जो है इसकी जो सेटिंग आपने करनी है, ठीक है, वो भी आपको समझाता हूँ। और उसके बाद जो है वो क्लाइंट से भी आपकी जो है वो मुलाकात करवाते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये 8 पैनल हैं, ठीक है, ये जिनको है 550 वाट का और ये ओरिजिनल ए ग्रेड है, ठीक है। इसमें आपको ए ग्रेड में एक और चीज़ भी बता दूँ कि इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर जो आपका बाज़ार है उसमें जो है वो आपको ओरिजिनल ए ग्रेड भी बना कर दिया जा रहा है बी ग्रेड को, जिसमें आपको उसके डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेंस है, ठीक है, जो आपको ओरिजिनल वो जो आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में जो एक डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपका LC नंबर जो है वो दिया हुआ होता है ओरिजिनल ए ग्रेड का। LC नंबर होगा, LC डेट होगा, कंपनी का NTN नंबर दिया होगा, ठीक है, और उसके अलावा बैंक का नाम होगा, ठीक है जी। अगर कोई जो है किसी उसके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें मौजूद हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेंस के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आपका ओरिजिनल ए ग्रेड है। अदरवाइज़ वो उसी कंपनी का जो है वो क्या है, वो बी पेयर होता है, जो कि आपका टेस्टिंग के वक्त बाहर निकल जाता है और फिर उसके ऊपर बोली ला के हमारे यहाँ आ रहा होता है। आप लोग को इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो दिखाते हैं कि इन 8 पैनल के साथ आप जो है वो 3 फेज़ की जो मोटर है वो आप कैसे चला सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आप 8 पैनल के ऊपर 3 फेज़ की मोटर को चलाने लगेंगे, इन्वर्टर को ऑन करेंगे, तो इन्वर्टर ऊपर पी ऑफ का जो है वो ऑप्शन दे रहा होगा, आपने वो ख़त्म करके उसको कैसे जो है वो इस मोटर को इन कम पैनल्स पर चलाना है। और उसकी ना चलने की जो है वो वजह वो भी मैं आपको नीचे इन्वर्टर के साथ ही बताता हूँ। आए जी, तो अब हम जो है वो इन्वर्टर के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने ये भी ज़रूरी होता है कि आप सोलर पैनल जो आपके आ रहे हैं उसके साथ जो है वो आप ब्रेकर लगाएं, तो DC ब्रेकर जो है वो आपने इसके साथ इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमने DC ब्रेकर लगाया हुआ है, जैसे हमने DC ब्रेकर जो है वो ऑन कर दिया, ठीक है। DC ब्रेकर ऑन किया है तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सेटिंग कर चुका हूँ तो इसलिए ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको शो हो रही है। ये करीब होकर दिखाएँ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये आप देखें कि ये 50 की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। अगर आप जो है इसकी सेटिंग नहीं कर चुके होते तो आपको यहाँ पर पी ऑफ नज़र आता, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 पैनल हैं। 8 पैनल होने की वजह से आपके वोल्टेजेस जो होते हैं वो तकरीबन 350-350 के लगभग होते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि ये क्योंकि इन्वर्टर आपका इसने आगे 3 फेज़ आउटपुट देनी होती है, यानी फेज़ टू फेज़ वोल्टेज आपके 380 तक इसने प्रोड्यूस करने होते हैं, जो कि आपके इन वोल्टेजेस के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होते। आपको कम से कम 10 पैनल्स के ऊपर जो है वो क्या है, ये वोल्टेजेस जो है वो 3 फेज़ के मिल रहे होते हैं, जब आपके वोल्टेजेस आप DC इनपुट वोल्टेज 400 से ऊपर देते हैं। जब 400 से नीचे होंगे तो यहाँ पी ऑफ। उसके लिए क्या करना है कि आपने जो है वो PE में आना है। PE में आकर आपने जो है वो इसका जो कोड है वो ओपन करना है, जो आपकी INVT का जो ओरिजिनल का कोड है वो आपके पास 40721 है, ठीक है। ये आपने जो है वो कोड इसके अंदर जो है वो एंटर करेंगे तो आप इसकी जो है वो फैक्ट्री सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि PE0 आपके पास 4 जो है यहाँ पर आपके पास 380 लिखा होगा, ठीक है। 380 को आपने क्या करना है, 290 से या 299 तक आपने इसको जो है वो कर देना है। ये उसके वोल्टेजेस होंगे जो आपके इन पैनल्स पर आप जो है मोटर को प्रोवाइड
कर सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेजेस, ठीक है। ये मैंने 299 जो है वो इसको किया है, ठीक है। और यहाँ पर करने के बाद आपने डाटा एंटर करके इसको वापस प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। जैसे बाहर आएंगे तो आपका यहाँ पर जो पहले पी ऑफ था वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं ख़त्म हुआ अभी तक तो फिर आप रेड बटन दबाएंगे तो ऊपर जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी 50 शो हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसको रन कर देना है, ठीक है। अभी ये मैंने इसको जो है वो चला दिया है, ठीक है। पानी आपको पहले भी दिखा चुके हैं, तो ये चला के मैं जो है वो इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सोलर के एम्पेयर हैं लोड के ऊपर, ठीक है, असल आपके एम्पेयर ही वही होते हैं जो कि लोड के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 11.10.59, ठीक है, 11 एम्पेयर तक जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो ओरिजिनल पैनल है, अक्सर ये एक मोनोपोली चली हुई है कि जो बाज़ार में जो आपको इलेक्ट्रिशियन हजरात जो है वो धोखा देते हैं, वो क्या करते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट दिखा रहे होते हैं वहीं पैनल का, ठीक है, जो कि आपका ओरिजिनल में नहीं है। असल चीज़ ये है कि लोड के ऊपर आपको सोलर पैनल क्या दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि इसके अंदर जो है वो आपकी जो है वो बेईमानी तो समझ लें या जो भी इसको कह लें वो बेइंतहा है। तो लोड के ऊपर जब पैनल लगेगा उसके बाद ही आप उसके मुतल्लिक कोई अच्छी या बुरी बात जो है वो कह सकते हैं। ये ओरिजिनल है इसलिए आपके सामने ये इस वक्त जो है वो आपके पास 11 एम्पीयर तक लोड के ऊपर दे रहा है, ठीक है, जो कि एक लिहाज से जो है वो बहुत अच्छे जो है वो इसके एम्पीयर हैं, 11.25 तक जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें सुरखरू किया है, तो अभी हम इसको जो है वो ऑफ़ कर रहे हैं और आए आप चलते हैं, हम आपको जो है वो दूसरा क्लाइंट से मिलवाते हैं और उनकी जो है वो राय भी इस वीडियो के अंदर शामिल करते हैं। आए जी, तो हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट के पास आए बैठे हैं जिनका हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। हाय साहब, ये कौन सी जगह है? श्यामपुर के पास है, बहुत पुराना कस्बा है ये। यहाँ तक यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार भी हैं, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं जिम्मेदारी में। तो मुझे शौक पैदा हुआ था कि मैं भी ये सोलर सिस्टम लगाऊं, क्योंकि डीजल की महंगाई ने परेशान करके रख दिया हुआ है, वापडा ने काफ़ी परेशानियाँ पैदा की हुई हैं। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की दी हुई नहमत, डीजल से जो छुटकारा पाया हमने, वापडा से छुटकारा पाया, तो सोलर लगाया। मियाँ आसफ साहब ये जंग से आए हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सोलर सिस्टम हमारा जो जारी किया है देख के बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला के दिया हुआ पानी वापर मकदार में बाहर निकला है। इससे पहले हम मोटर से चलाते थे तो इतना प्रेशर नहीं था, हमने इस पर इसको डीजल ट्यूबल में भी चलाया है, वहाँ भी इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अल्लाह की रहमत से इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम किया है। मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी मोटर मुझे ज़्यादा पसंद आई है, तो मोटर का सिस्टम इन्होंने किया है। 8 पैनल इन्होंने लगाए हैं और मेरे पास पैसे शायद कम थे इसलिए मैं उसका स्टैंड नहीं बना सका, मैंने नीचे इस फर्श पर रख के तो उसको चला दिया है। तो 8 पैनलों से काफ़ी हद तक ये जो है पानी जो है प्रेशर के साथ निकला है। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस पानी का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बड़ा मुतासर हूँ आसफ साहब के बारे में, और बहुत सी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने इसको देखे बगैर मैंने पैसे भेज दिए थे, तो मैंने नहीं देखा इनको, लेकिन मैंने पैसे भेज दिए और ये वक्त मुकर्रा पर आ गया। डीलिंग अच्छी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो बड़ा अच्छा लगा जी, ठीक है ना। और मैं हाई साहब के मुतालिक बता दूँ कि माशाल्लाह से जो है दरवेश इंसान है, अल्लाह ताला ने जो है वो इनको बहुत इज़्ज़त दी हुई है, पीर हाजी मोहम्मद इदरीस कुरेशी साहब, ठीक है। इनके माशाल्लाह से मेरी पहले इनसे गपशप हुई है, तो मुझे जो है जी जी तो मुझे थोड़ी सी जो है ना वो बड़ी खुशी हुई है कि ये इन्होंने मुझे बताया कि इनके माशाल्लाह से 4-5 मदरसे हैं जो जिसमें जो है वो बच्चे फ्री पढ़ते हैं, हत्ता कि उनको किताबें कापियाँ, ठीक है, इस तरह के जो स्टेशनरी का सामान तक जो है वो फ्री दिया जाता है, जो कि आजकल के हालात में ये सारा कुछ जो है वो ये बच्चों के लिए करना वो एक बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह तौफीक देता रहे और बच्चे जो है वो इनसे फैज़याब होते रहें। और माशाल्लाह से और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत लोगों का तांता बंधा रहता है, मैंने कल से आया हूँ देखा है इस चीज़ को, मैं भी जो है वो सुल्तान बाहु के इलाके से हूँ, तो माशाल्लाह से जो है वो सर जो है वो दाता बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो लड़ी से हैं, तो बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलकर। सर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट भी आपका कोई खिदमत को होगा तो इंशाल्लाह सर ज़रूर हाज़िर होंगे। तो इंशाल्लाह जी थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।